गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हम रिवीजन वर्क अपने स्टार्ट कर चुके हैं पीरियोडिक टेस्ट फर्स्ट का। तो कल हमने कुछ लाइनें ली थी मिस्टर नोबडी फर्स्ट चैप्टर, जो कि पोयम है, उससे। आज हम कुछ और लाइनें ले रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हम धीरे धीरे रिवाइज करेंगे, धीरे धीरे वीडियोस मिलेगी आपको, एक चैप्टर के 3-4-5 वीडियो तक भी मिल सकती है। तो स्टार्ट करते हैं। दिस ही हु ऑलवेज टीयर्स आउट बुक्स, हु लीव्स द डोर अजर, ही पुल्स द बटन्स फ्रॉम आवर शर्ट एंड स्कैटर पिंस अफार। देखिए, हम लोग कल मिस्टर नोबडी के बारे में बात कर रहे थे। मिस्टर नोबडी क्या होता है, बोल रहा था कि हर घर में होता है, जो हर घर में गलत सीन होते हैं वो सारा मिस्टर नोबडी। जैसे घर में गंदा फैलाना, घर में कचड़ा कर देना, ड्रॉर खुला छोड़ देना, जूता चप्पल सही से नहीं रखना, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है दिस ही हु ऑलवेज टीयर्स आउट बुक्स, ये वही है मिस्टर नोबडी जो कि हमेशा बुक्स को फाड़ दिया करता है। हु लीव्स द डोर अजर, जो कि डोर को हमेशा थोड़ा खुला हुआ छोड़ देता है। ही पुल्स द बटन फ्रॉम आवर शर्ट एंड स्कैटर पिंस अफार, बोल रहे हैं वो हमारे शर्ट से जो बटन है उसको खींच लेता है, तोड़ देता है और फेंक देता है इधर उधर। दैट स्क्विलिंग डोर्स विल ऑलवेज स्क्वीक, जो स्क्विलिंग डोर है, जो स्क्विलिंग का मतलब क्या होता है, जैसे डोर जो हम क्लोज करते हैं ना, जो आवाज़ आती है ना, तो बोल रहे वो हमेशा स्क्वीक होते रहता है। फॉर प्रीत डोंट यू सी, बोल रहे हैं कि फॉर प्लीज़, यहाँ प्रीत का मतलब प्लीज़ है, ठीक है, ये थोड़ी ओल्ड इंग्लिश पे लिखी हुई है। अजय का मतलब होता है ओपन पार्शली, हल्का खुला हुआ, ठीक है। तो बोल रहे क्या आपने नहीं देखा, वी लीव द ऑयलिंग टू बी डन, हम लोगों ने ऑयलिंग करना भी छोड़ दिया बाय मिस्टर नोबडी, ठीक है। तो ये जो सारा काम है ये किसके द्वारा हो रहा है, मिस्टर नोबडी। कल मैंने आपको समझाया था कि मान लीजिए आपने कुछ कर दिया, आपसे कोई ग्लास टूट गया और आपकी मम्मी ने पूछा कि किसने किया, तो आप क्या बोलते हो, मैंने नहीं किया, ठीक है। तो वही है मिस्टर नोबडी, ठीक है, मतलब किसी ने नहीं किया, वो अनजान बन जाना। तो इसको आपको कॉपी में लिख लेना है, जो भी समझाया उसको खुद से समझने की कोशिश करना है और लर्न करना है पोएम।